फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। सो सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं। तो अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो गाइस, ये देखो हमारी लौकी हो चुकी है कद्दूकस। और हाँ, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी, मैं बता रही हूँ, गारंटी। और प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना। सो गाइस, और सब्सक्राइब के बाद जो नीचे बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे उसका नोटिफिकेशन। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट्स भी करना कि कैसी बनी आपके कोफ्ते अगर आपने ट्राई किए, और ज़रूर ट्राई करना। अनुसार लौकी में मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट, स्वाद अनुसार। ये हम पकौड़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं। सब्जी में जरा सा और डलेगा, ठीक है। ये खाना सोडा है, इससे पकौड़ी सॉफ्ट होगी। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी खुद ही पानी छोड़ती है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब ये ऐसा हो गया है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और अब ये पकौड़ी बनाने के लिए रेडी है। हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तेल गरम होने पर इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के डालेंगे। हम इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के डालेंगे, जो कि हमारे कोफ्ते बनेंगे, जो कि हमारे कोफ्ते बनेंगे, जो कि हमारे कोफ्ते बनेंगे। तेल गरम, तो अब हमारा तेल हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ी बनाएंगे। ये देखिए, अब ये नीचे से सुनहरे होने लगे हैं। अब हम इसे पलट देंगे। हमने दो लौकी ली थी 250 ग्राम। हमने दो लौकी ली थी तो 250 ग्राम बेसन लिया। अगर आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो तो उसी हिसाब से आप बेसन और लौकी ले सकते हो। ये देखिए, अभी अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम
इसी तरफ से सेकेंगे और इसी तरीके से बना के सबका तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बना के सबका तैयार कर लेंगे। अब जब निकालेंगे बाकी तो जब फिर जाएंगे तो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे पेस्ट का बना के पकौड़िया ऐसे ही सारे पेस्ट का पकौड़ियाँ बना के रख लेंगे। चलो तो गाइज ये देखो ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम ये सब स्पाइसेस इसमें डालेंगे। ये है अदरक जिंजर यानी कि, और ये है अनियन, और ये है टमाटर और मिर्च का पेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे अपने तेल में। लहसुन, सुनहरा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अनियन, प्याज, अब हम इसमें डालेंगे हींग। अब ये जो अदरक कद्दूकस की थी वो डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच। अब ये टमाटर मिर्ची का तेल, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/4 कलर वाली मिर्च, छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसे हम मिलाएंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी आपको गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, उसी के हिसाब से आप पानी डालिए। इसमें हमने कम से कम 2.5 ग्लास पानी रखा है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसमें उबाल आने तक गैस तेज करनी है। जब उबाल आ जाए तो गैस को धीमा करते इसे पकाना है। ये अच्छे से पक चुका है क्योंकि तेल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें पकौड़ी ऐड करेंगे। पकौड़ी डाल के थोड़ी सी देर इसको छोड़ देना है ताकि तेल पूरी तरह से ऊपर आ जाए जो हमने पकौड़ी। ये देखिए ये आने लगा है। ये अब रेडी है। इसे रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, चावल से खाइए, जिससे आपका मन करे। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना और शेयर भी करना। Bye.